गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल प्रिया की राजा बाबू एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग गाइज। तो गाइज देखो, सुबह सुबह मम्मी और मैं तो मार्केट पे आ गए हैं। ये जो मार्केट देख रहे हो ना, ये वेलूर के सेकेंड मार्केट है। ये भी बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। मतलब जितना दूर हम जाए ना, उतना ही बाजार है यहाँ पे। तो गाइज हम लोग जब से आए हैं तब से तो कुछ अच्छा नहीं खाए है। तो आज ना मम्मी बोल रही कि फिश बनाएगी, मैं तो देख के एकदम हैप्पी हो गई। मुझे तो फिश अच्छा लगता है, तो देखते मम्मी क्या फिश लेती है आज। तो गाइज अभी तो हम लोग घर आ गए। आने के बाद ये देखो, मैंने काटा है पपीता। जब से हम लोग आए तब से तो यार पपीता खा रही। यहाँ पे इतना अच्छा अच्छा पपीता मिलते हैं कि क्या बताओ। देखो मैंने आधा काटा है और आधा देखो रख दिया है, बाद में खाएंगे। तो गाइज बस थोड़ा सा नाश्ता करके हम तीनों तो निकल पड़े हैं। आज जा रहे हैं हॉस्पिटल, आज ना पापा का प्लास्टर रिमूव करेंगे। वैसे जो प्लास्टर है कलकत्ता से करके आए हैं वो खोल देंगे और नया वाला प्लास्टर लगाएंगे। तो जितना जल्दी हम लोग जाएंगे उतना ही जल्दी काम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग तो सुबह सुबह ही निकल पड़े हैं। खाना वाना तो घर आके बनाएंगे, ठीक है। तो चलो अभी हॉस्पिटल जाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। गाइज अभी तो हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और जा रहे हैं प्लास्टर रूम पे। वैसे ना गाइज पापा का आज पैरों पे बहुत दर्द है, मुझे बताते हैं। हर रोज ही इनको दर्द होते हैं, मुझे बोलते हैं कि दर्द है। अभी पता नहीं क्या होगा। यहाँ पे प्लास्टर खोलेंगे, फिर से नया प्लास्टर लगाएंगे, क्या बताओ यार। और प्लास्टर करवाने के लिए ये देखो, हमें तो मेटेरियल खरीद के देना पड़ा। मैं दिखाती हूँ, ये सारा जो प्रोडक्ट है ना, ये सब US का प्रोडक्ट है। तो ये देखो हमें प्लास्टर के लिए कितना खर्च हुआ पता है? ये थोड़ा सा चीज़ लाने में अभी हम लोगों को खर्च हो गया 5,585 ओनली, ठीक है। तो ये सब खर्च हो गया हमारा। अभी देखते हैं पापा का प्लास्टर क्या होते हैं। गाइस पापा का तो प्लास्टर हो गए है, ये देखो प्लास्टर एकदम रेडी है। एकदम हल्का वाला प्लास्टर किए हैं, जो कुछ भी किए हैं पीछे से किए हैं, सामने से तो हल्का पट्टी लगा दिए हैं। तो अभी तो ये प्लास्टर जब तक ऑपरेशन ना हो जाए तब तक रहेगा। तो चलो हमारा तो हो गया सब कुछ, अभी सीधा घर चलते हैं। गाइज हम लोग तो घर आ गए। आने के बाद देखो मम्मी ने पापा का क्या हाल किया। एक्चुअली काफ़ी दिन हो गए ना, पापा ने बिल्कुल भी शैम्पू वगैरह नहीं किए हैं, तो बाल तो गंदा हो गया था, इसलिए मम्मी ऐसे देखो शैम्पू कर रहे हैं। तो मैं तो बस पानी ला के हेल्प कर रही हूँ, बाकी तो मेरी मम्मी सब कुछ कर रही है। तो गाइज ये देखो सुबह सुबह जो हमने फिश लाए थे ना, तो ये देखो ये वाला फिश लाए है। अभी तो बस इसी को बनाएगी मम्मी, तो मुझे बोल रही थी बनाने के लिए, लेकिन मुझे तो मेरे माँ के हाथ से खाने का मन हो रहा है ना, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मम्मी करेगी। तो गाइज देखो खाना तो बनाना हो गए है। ये देखो फिश करी कैसा लग रहा है बोल देना। आज काफ़ी दिनों बाद मैं फिश खा रही हूँ यार, क्या बताऊँ, बहुत मिस कर रही थी मैं। तो चलो अभी हम लोग तो खा लेते हैं, और आप लोगों को भी अच्छा लगे तो यहाँ से खा लो, ठीक है। तो गाइज हमारा तो खाना पीना हो गए है, और पापा को तो खाना खिला के अच्छे से सुला दिए है। अभी हम दोनों क्या करें यार, पापा के साथ सोए रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, इतना बोर तो नहीं होंगे। अभी तो हम लोग जा रहे हैं घूमने, क्योंकि यहाँ पे तो घूमने का जगह का कोई कमी है ही नहीं। तो चलो आप लोगों को भी थोड़ा सा घुमा के लेके आते हैं। आप लोग क्या सोच रहे हो, प्रिया फिर से ये फोर्ट पे लेके आई हो? कल तो आए थे ना यहाँ पे। नहीं यार फोर्ट पे तो नहीं जा रहे हैं, तो हम कहाँ पे जा रहे हैं? हम क्या वेलूर फोर्ट के जो टेंपल है ज्वालाकांडेश्वर टेंपल, वहाँ पे जा रहे हैं? नहीं यार वहाँ पे भी नहीं जा रहे। ये तो ये देखो पास के गली में ही है, लेकिन हम लोग वहाँ पे नहीं जा रहे। हम लोग तो आज अलग जगह पे जा रहे हैं। तो आप लोग देखो हम कहाँ पे जा रहे हैं। বাচ্চার গায়ে কি জামার কালার দেখ। गाइज हम लोग ना अभी एक मतलब चर्च पे आए हैं, एस टी जॉन्स चर्च पे।
तो मतलब ये तो वेलोर में ही है, कितना खूबसूरत जगह है देखो। वैसे तो ये फोर्ट के पास ही है, हम लोग तो मतलब फोर्ट पे जब घूमे थे तब हमें पता ही नहीं था कि यहाँ पे एक चर्च भी है, नहीं तो हम लोग एक साथ ही घूम लेते, बोलो मम्मी। ये हमें पता नहीं था, तो उसके बाद पता चला कि यहाँ पे एक मतलब बहुत सुंदर सा एक चर्च है। अभी चलो हम लोग तो अंदर जाएंगे, एकदम चर्च के पास ही है। लेकिन गाइस यहाँ पे ना संडे को खोलते हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था यार। तो अभी मैं देखती हूँ अंदर क्या होते हैं, खोलते हैं तो अंदर जाएंगे। वैसे अगर दूर से कोई आते हैं बोलते हैं तो खोल के देते हैं, तो चलो देखते हैं अभी क्या होता है हमारे साथ, ठीक है। ये देखो गाइस चर्च देखो, मैं तो बाहर से देख के एकदम मोहित हो गई यार, कितना खूबसूरत लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ। बहुत सुंदर चर्च है और यहाँ पे देखो चारों तरफ देखो एकदम पेड़ ही पेड़, देखो कितना सुंदर गार्डन बनाया है, देखो एकदम ग्रीन ग्रीन। और यहाँ पे धूप पड़ रहा है ना, तो इस वजह से बहुत सुंदर दिख रहा है, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, चारों तरफ पेड़ है इसके। और गाइस ये जो चर्च है ना, ये वेलूर के सबसे पुराने चर्च में से एक है, ये सबसे पहले जो चर्च हुआ था यही वाला हुआ था। और गाइस वेलूर फोर्ट के अंदर, मतलब फोर्ट तो है ही, फोर्ट के पास मंदिर है जलाकांडेश्वर मंदिर, और इसके साथ साथ फोर्ट के अंदर देखो ये चर्च भी है, मतलब सब एक साथ। गाइस मैं क्या बताऊँ, जब से आई हूँ ना मैं बस यही देख रही हूँ कि यहाँ पे कोई मतलब जात का भेदाभेद है नहीं, यहाँ पे मतलब हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब एक साथ है, मिल के रहते हैं यहाँ पे, किसी धर्म को लेके कोई भी भेदाभेद है नहीं। जैसे हम बचपन में पढ़ते ना हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सेम एकदम सेम यार यहाँ पे, मुझे अच्छा लगा बहुत। तो गाइज अभी तो अंदर घूम रहे हैं हम लोग, अभी इधर जाएंगे, पीछे एक घर है, हमारे ऑटो वाला ने बोला कि पीछे घर है, उधर जाके बोलना पड़ता है, तब जाके खोल के दिखाते हैं अंदर, ठीक है। तो वैसे देखो कितना शांत लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है यार, ठीक है। चलो आओ मैं इधर दिखाती हूँ मम्मी, आओ। ये देखो इधर चलो गाइज, ये जो चर्च है ना यहाँ पे हफ्ते में एक दिन खोलते हैं, मतलब ओनली संडे, लेकिन हम तो संडे देख के नहीं आ सकते ना, तो मेरी मम्मी को थोड़ा सा प्रे करना था पापा के लिए, तो मैं जाके यहाँ पे बोली, तो उसके बाद देखो खोल दिए साइड से दरवाज़ा, तो यहाँ से अभी हम लोग अंदर जाएंगे और अंदर जाके देखेंगे, ठीक है चलो। गाइज इतने सुंदर जगह पे आए हैं, अभी तो फोटोशूट बनते हैं ना, तो ये देखो किसका फोटोशूट हो रहे हैं, मेरी मम्मी का, और क्या करूँ मम्मी का ही फोटोशूट कर देती हूँ। वैसे मेरा तो कोई फोटोशूट नहीं करके देंगे तो क्या करूँ, मेरी मम्मी को आता भी नहीं है अच्छे से फ़ोटो उठाना, तो चलो अभी ऐसे ही फ़ोटो उठाते हैं मम्मी का। चलो मम्मी वैसे फ़ोटो हो गए तुम्हारा, मैं वैसे वीडियो बना के दिखा रही हूँ, तो मम्मी का तो फ़ोटोशूट हो गए है। चलो गाइस अभी और थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं। क्या कर रहे थे, करो झोलो झोलो झोलो, ओह
आप लोग देखा मम्मी ने कैसे झूला झूला, बाप रे बाप। ये देखो ये बहुत पेड़ देखो गाइस, बाप रे। हम लोग बहुत झूलता है। हाँ ताई तुम्हें छोटवाला अनेक झूले छो। गाइस देखो हम लोग अभी, ये देखो बोट गाज के नीचे है, कितना बड़ा सा बोट गाज देखो, बाप रे बाप। इसका झाड़ देखो ना नीचे गड़ गया है एकदम से। ये देखो बहुत बड़ा एक बोट गाज है ये। ये गाइस मम्मी को तो ये जगह इतना अच्छा लगा, देखो कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। ये देखो मम्मी कहाँ, रे बाबा वो देखो किधर चले गई है मम्मी। अभी मम्मी आओ, बुलाना पड़ रहा है। देखो गाइस देखो यहाँ पे भी इमली का पेड़ है हमारे ऊपर, और ये मुझे मिला देखो कितना इमली का पेड़ है यहाँ पे, बाप रे बाप बहुत ज़्यादा है। मतलब इमली के पेड़ के नीचे आओ तो तुमको मिल जाएगा ऐसा, इस टाइप का है देखो पूरा एकदम नया इमली। ये देखो मम्मी को भी, ओ बाप रे जाओ रुको रुको। मम्मी दिखाओ, अरे दिखाओ कितना मिला उस हाथ पे दिखाओ। ये देखो मेरी मम्मी को और भी मिला, बाप रे बाप कितना सारा मिल रहा है रे हम लोगों को। यहाँ पे कुछ नहीं बोलते है गाइस, ये देखो कितना इमली देखो यहाँ पे, देख रहे हो ना, कुछ नहीं बोलते, यहाँ पे सब खा सकते हैं इमली लेके। हे गाइस हम तो यहाँ पे काफ़ी टाइम से बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लगा ये जगह। और गाइस मम्मी को इतना अच्छा लगा कि इधर उधर घूम रहे हैं मम्मी। मम्मी तो मतलब जब भी देख रही हूँ इधर कभी पीछे कभी उधर, जिधर भी हो या घूम रही है और इमली ढूंढ रही है, इतना अच्छा लग रहा है मम्मी को इमली खाना। तो गाइस ठीक है अभी तो शाम हो गए है, तो अभी धीरे धीरे हम लोग निकल जाएंगे, ठीक है तो चलो चलते हैं। तो गाइस अभी तो हम लोग चर्च से निकल गए हैं, और ये देखो चर्च के ऑपोजिट का नज़ारा देखो कुछ इस तरह से है। यहाँ पे एक प्लेग्राउंड है, बहुत बड़ा सा एक प्लेग्राउंड, और ये देखो ये साइड पे कुछ ऐसा है। देखो इस साइड देख के थोड़ा सा हॉरर हॉरर टाइप लग रहा है ना, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, बहुत सुंदर जगह है। मैं तो बस यू ही बोल रही हूँ आप लोगों को। तो मम्मी कैसा लगा तुमको ये जगह घूम के? बहुत अच्छा लगा, मम्मी तो आना ही नहीं चाह रही थी इस जगह से, इतना अच्छा लग रहा था, कितना घूम रही थी एकदम बच्ची बन गई थी मेरी मम्मी। दिखाओ दिखाओ। अभी तो गाइस हम लोगों को घर जाना है, उससे पहले फ्रूट ये कौन छोड़े, ये नहीं छोड़ते हम लोग, जब से आए तब से खा रहे हैं। तो चलो अभी हम लोग ये फ्रूट्स खा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। हे गाइस देखो यहाँ पे हमें कितना प्यारी सी आंटी मिली है, रास्ते पे मुझे प्यार कर रही है, देखो कितना अच्छी आंटी मिली है हमें, हमसे बात कर रहे हैं। कुछ नहीं मम्मी से मैं प्यार से थोड़ा बात करते हुए जा रही थी, तो आंटी बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई ऐसी बेटी है नहीं, तो बहुत प्यार दिया हमें आंटी ने, देखो कितना अच्छा है रे बाबा। तो गाइस ये तो बहुत बिजी एरिया है, मतलब ये जो रोड देख रहे हो ना ये रोड बहुत बिजी है, इसके कारण रास्ता पार होना है तो ये ओवरब्रिज से ही आना पड़ते हैं। तो अभी चलो हम लोग तो उतर रहे हैं, उतरने के बाद गाइस देखते हैं मम्मी को थोड़ा सा यहाँ से ये सब्जी लेना है, देखते हैं क्या लेती है मम्मी। तो चलो अभी चलते हैं। हे गाइस हम लोग तो अभी रूम में आ गए हैं, और अभी तो मैं कपड़ा चेंज कर लूँगी, उसके बाद अंडा भुजिया बनाऊँगी। अंडा लाए हैं और आज तो रोटी लाए हैं, गर्मा गर्म हम लोग रोटी खाएंगे। तो कुछ खाना बनाने का मन नहीं हो रहा था, मम्मी को भी नहीं मुझे भी नहीं, तो रोटी लाए है, रोटी खाएंगे ठीक है। तो चलो अभी मैं अंडा भुजिया बना के फिर आप लोगों से बाद में मिलती हूँ, ठीक है।
गाइस अभी ना हम लोग पानी लेने जा रहे हैं। ये देखो मम्मी बोतल दिखा रही है। एक्चुअली यहाँ पे ना ठंडा ठंडा पानी मिलते हैं तो पीने के लिए वही लेने जा रहे हैं। ठीक है चलो आप लोगों को दिखाएंगे हम लोग कहाँ से पानी लेते हैं। ठीक है हाँ बोले मैंने बोली तो बाबा कितना बोतल दिखाओगी तू। ये देखो गाइज यहाँ से ही हम लोग अभी पानी लेते हैं ठंडा पानी। क्या कर रहे फ्रिज को ना बहुत मिस कर रहे हैं लेकिन ठीक है चलेगा। यहाँ पे तो फिल्टर का ठंडा पानी मिलता ही है और जो हम पानी खरीद के ले रहे हैं ना उसी से हमारा खाना बनते हैं तो इसी से हो जाएगा। लेकिन पानी थोड़ा कम हो जा रहा है। कल मैं 2 बोतल लाऊंगी यहाँ से पानी लेने के लिए। और ये देखो घर पे तो आ गए हैं। अभी हम लोग रोटी खाएंगे। अंडा भुजिया भी मैंने बना लिए है। ये देखो रात का डिनर हमारा। तो गाइस चलो अभी तो पापा जी सो गए हैं और मम्मी और मैं भी सो जाऊंगी। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक आप सब लोग अच्छे से रहो। सबके लिए बाय बाय गुड नाइट शुभ रात्रि टाटा।